इंडिया में फंसा है जिनका पैसा, उनके लिए आई बहुत अच्छी खबर। नए साल पर पीएम मोदी ने सहारा के जमाकर्ताओं को दे दिया बड़ा तोहफा। इस तारीख से वापस मिलने शुरू हो सकते हैं लोगों के पैसे। तैयार कर लिया गया है पूरा खाका। पहली बार सहारा इंडिया में फंसे लोगों के लिए इतनी बड़ी खबर सामने आई है। अब हो जाइए निश्चिंत, क्योंकि आपका पैसा मिलने वाला है। सहारा इंडिया में जिनका पैसा फंसा है उनके निकलने का रास्ता साफ हो गया है। नए साल पर आपको बहुत बड़ा तोहफा सरकार देने वाली है। काफी समय से यह मांग चल रही है कि सहारा में फंसे हुए लोगों के पैसे को वापस कराया जाए, लेकिन अब इस पर जो खबर आ रही है वो सभी लोगों को खुश कर रही है। कई साल हो गए और लोगों की मेहनत की गाढ़ी कमाई सहारा इंडिया में फंसी है। लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी हंटर चलाया था, लेकिन इस बार अब सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और निवेशकों के पैसे दिलाने की पूरी तैयारी कर ली है। आपको कब आपके पैसे मिलेंगे, साथ ही अब तक बात कहां तक पहुंची है, सारी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। बस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इस खबर को शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों तक यह खुशखबरी पहुंचे। सुब्रत राय की कंपनी सहारा इंडिया, जिसमें पैसे की स्कीम खरीदने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। कई लोगों ने तो इसके चक्कर में आत्महत्या तक कर ली, जबकि कई लोग बेघर हो गए, क्योंकि सहारा की स्कीम ही इस तरह से होती थी। पैसे डबल भी कुछ सालों में हो जाया करते थे और इसी लालच में हजारों लोगों ने सहारा इंडिया में जमकर अपना पैसा लगाया। शुरुआत में लोगों को खूब अच्छे रिटर्न मिले और कई लोग इन्हें पैसे के दम पर लखपति भी बन गए। धीरे धीरे सहारा का काम बढ़ता गया, लेकिन तभी लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा फुल स्टॉप लग गया और सभी के पैसे सहारा कंपनी में फंस गए। शुरुआत में लोगों को लग रहा था कि शायद एक या दो महीने की दिक्कत है, पैसे आराम से मिल जाएंगे, लेकिन जब पैसे ना मिलने का सिलसिला लगातार बढ़ता गया तो लोगों को भी यही लगने लगा कि शायद उनका पैसा डूब गया। हालांकि बाद में मामला ठीक होने वाला था कि सहारा प्रमुख सुब्रत राय जेल चले गए और मौजूदा समय में भी वे जेल में बंद हैं। सुब्रत राय के जेल जाने के बाद सभी की उम्मीदें खत्म हो गई, लेकिन अब काफी समय बाद सरकार एक बार फिर एक्टिव है और कहा जा रहा है कि सहारा इंडिया वालों के पैसे वापस मिल सकते हैं। सार्क भारत नाम की वेबसाइट में छपे रिपोर्ट के मुताबिक सहारा इंडिया में जिनका पैसा फंसा है उसके निकलने का रास्ता अब साफ दिख रहा है। अब भारत सरकार और सेबी ने सहारा की संपत्तियों को कुर्क कर पैसा लौटाने की तैयारी कर ली है। इसी वेबसाइट में छपे रिपोर्ट के मुताबिक अब सेबी और सरकार जल्द ही सहारा की संपत्तियों की कुर्की करवा कर निवेशकों के पैसे वापस कर सकती है। इसी कड़ी में सेबी ने एक नोटिस जारी कर सभी बैंक के डिपोजिटरों और म्यूचुअल फंड इकाइयों को आदेश जारी किया है कि किसी भी हाल में डीमैट खातों से पैसों की निकासी नहीं होने दें। लेकिन सहारा इंडिया में कितने निवेशकों का पैसा डूबा हुआ है, सरकार के पास भी इसका डेटा नहीं है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में उठाए गए एक सवाल के जवाब में कहा कि 2,33,00,000 निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा है, मतलब करीब 2.5 करोड़ लोगों का पैसा मौजूदा समय में सहारा कंपनी में फंसा हुआ है। आपको बता दें कि कई ऐसे लोग रहे हैं जो सहारा इंडिया में एजेंट के तौर पर काम करते थे, लेकिन जब कंपनी में लोगों के पैसे फंसे तो उन्हें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोगों ने उनके ही भरोसे पर कंपनी में पैसे लगाए थे, लेकिन उनका पैसा तो डूबा ही, साथ में भरोसा भी टूट गया, जिसकी वजह से कई लोगों ने तो आत्महत्या तक कर ली। यही वजह है कि अब सरकार चाहती है कि किसी भी हाल में इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि जिन लोगों के पैसे सहारा इंडिया में फंसे हैं वे कब तक वापस मिलेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह से सरकार लगी हुई है जल्द एक तारीख मिल सकती है। ऐसे में सहारा इंडिया में आपके भी पैसे फंसे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप भी चाहते हैं कि सहारा इंडिया जल्द से जल्द पैसा वापस करे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।